ढेंकानाल सहर अंतर्गत मंगलपुर ग्राम से सत्यवादी सरकारी उच्च विद्यालय को चलित वर्ष को 50 वर्ष पूछि एथिपाई ग्रामवासी पक्षर सुवर्ण जयंती पालन करा जाउछि। उत्सव में केन्द्र शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान मुख्य अतिथि भाव जोग देते सम्मानित अतिथि भाव सांसद रुद्र नारायण पाणी स्थानीय सरपंच और अन्य अतिथि माने मंचासीन होते। हाईस्कल सुवर्ण जयंती अवसर आसवर मत सौभाग्य मिलला ये अंचल दूरदृष्टा महापुरुष मानकर निष्पत्ति कारण 50 वर्ष पूर्व गोटे स्कूल ये या स्कूल गोटे बड़ बटवृक्षर रूप नहीं सारी आज आम समस्त दायित्व अच्छी भारत को विकसित करने 2047 सुधा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाशय लक्ष्य रखिंट आम ओडिशा को 2036 सुधा विकसित करने पड़ो कारण आम भारत बर्षर प्रथम भाषा भित्तिक राज्य भाव आम जन्म होती 2036 आ 2047 दुटी जाक आम अत्यंत महत्वपूर्ण भविष्य लक्ष्य ये भितर आम अंचल जो मैंने आज स्कूल अच्छा जो पिलाटी अच्छी 6 वर्ष आगामी 24 वर्ष पर 30 वर्ष से समाज नेतृत्व नौ जो पिला को आज 10 वर्ष अच्छी सी आगामी 12 वर्ष पर ओडिशा 100 वर्ष भाषा भित्तिक राज्य भाव पुरला बेलू 24-25 वर्ष युवक होता कांधरे समाज दायित्व थी तेणु विद्यालय को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 अनुजाई कॉम्पिटेंस बेस्ड एजुकेशन बनेवा भाषा माने भारतीय भाषा तथा विशेष करके मातृभाषा ओडिशा रे ओडिया भाषा को रे स्पष्टता तैयारी करिबा ता सह निजर वैश्विक दृष्टिकोण शिक्षा रु तैयारी करिबा वसुधैव कुटुंबकम को साकार करिवार दायित्व आम सब भारतीय लोक मानकर अछि। मंगलपुर सरकारी उच्च विद्यालय से दृष्टि बड़ दायित्व नब मुझे जिलार अधिकारी बंधु मान को दायित्व देखि जाऊँ कि आम जिले में सरकारी बेसरकारी स्कूल मिसेकी सर्वाधिक 300 हम 300 स्कूल रे जो पिला माने पाठ पढ़ु से स्कूल रे पिला मान को अमृत काल रे प्रस्तुत करेबा अमृत पीढ़ी तैयारी करेबा एटा हमर दायित्व मंगलपुर रे तार आज मत सौभाग्य मिले विचार को रखा या कार्य आरंभ करने अंचल स्कूल रो बहुत सुख दुख कथा गुरुजन माने मत उल्लेख अपेक्षा रखिंट एगुड़ी मुठिकार प्रशासन को बतई भी जीवी आम निश्चित भाव अंचल शिक्षा जोर देवा शेषे विद्यालय जो मान द्वारा स्थापन करवार को मंत्री द्वारा संबोधित कर विद्यालय पक्षर एक स्मरणिका उन्मोचन कर प्रथम ग्रामवासी और विद्यालय पक्षर अतिथि मान स्वागत जनाइले आयोजित रक्तदान शिविर में जोग देवापर माँ पाई गछती कार्यक्रम मध्यम विद्यालय परिसर में वृक्षरोपण करते। ढेंकानाल हरेकृष्ण राउत रिपोर्ट खबर ओडिशा।